देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। जिम्मेदार है ये भवरा बांड का? नहीं जी, आपसे पूछ रहा हूं, कहां ऐसा कांड कर दिया कि हमारी बिटिया रानी जलती चिता पर बैठने को तैयार हो गई? नहीं नहीं जी, हमने कुछ नहीं कहा देवयानी को। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, हमारी गलती की सजा भुगतने जा रहे हैं। उस दिन मंडप से भाग जाने का फैसला हो रहा था, राजवीर जी का दिल तोड़ने का फैसला हो रहा था। आपको सब कुछ बता सकते थे पर बता नहीं पाए, तो ये जो सारे फैसले हमने लिए ना, वो की जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है। इसीलिए हमरा यहाँ से जाना जरूरी है। आपने कौनो गलती नहीं किया? कितनी बड़ी विडंबना है, आज के युग में माँ बाप को अपने बच्चों के सामने बेबस हो जाना पड़ता है, वो कुछ नहीं कर सकता। बच्चों के लिए सब कुछ कर देता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है उस मोड़ के ऊपर माँ बाप एकदम बच्चों के सामने बेबस हो जाता है। माफ कर दीजिए दादू, पर नहीं मंशा नहीं है। हम ये बात आप समझ सकते हैं कि गलती हमारी नहीं है, पर कोई और नहीं समझ पा रहा। रूह के कारण अगर हमारे परिवार पर कोई आ जाए तो हम अपने आप को कभी माफ ही नहीं कर पाएंगे, और हम हमारे परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकते दादू। हम ये सब जो रोज रोज होता चला जा रहा है, ये सब हम नहीं देखना चाहते। आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहते हम। गलती हमने की, जो भी क्या हमने किया तो सजा भी हमें भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा बचवा, हम सब संभाल लूंगा बचवा। हमने आज से पहले आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मांग रहे हैं दादू। हमें विदा कर दीजिए। जो उलझने हमारे कारण आई है हमारी जिंदगी में, उसे सुलझाने दीजिए। जो कुछ भी हुआ है किसी कारण से हुआ है, और हम ही सजा भुगतने को तैयार है। ये वही जो राम रची रखा,
नमस्ते, आइए ना, अंदर आइए। मेरे पास सारा दिन नहीं है, तैयारी हो गई विदाई की? अब यहीं रुकिए देवराज बच्चा, हम भी आते हैं। देवयानी बच्चा, आपकी माँ हमको कह गई आप मेरे बच्चे की विदाई होगा, ब्याह होगा, तो यही और विदाई है। आज हम धन्य हो गए, महादेव हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। शेरनी सी माँ और भूले भाले से पापा, आप दोनों का अंश है हम, देवा और धानी की देवयानी। आप दोनों के रास्ते पर चलना चाहते हैं, सच्चाई और न्याय के रास्ते पर हमेशा चलना चाहते हैं हम। काश आप दोनों आज यहाँ होते, अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा। हमेशा देंगे बचवा। एक बात बताएं आपको, अच्छाई, त्याग और सहनशीलता की परिकाष्ठा है आप, हमारे शब्दों को सच करेंगी आप, हमारे शब्दों को सच्चा अर्थ देंगी आप। बचवा, इस धर्म युद्ध में अधर्म का नाश करेंगे आप।